ऐसा लग रहा है चीकू की मम्मी, क्या रिस्पॉन्स, बहुत सुपर। मैं उनकी एक्चुअल मम्मी बन चुकी हूँ, उन्होंने मुझे खिताब दे दिया, दे ऑल कॉल मी मम्मी ऑन सेट, और मुझे वो मदरली फीलिंग भी उनके साथ आने शुरू हो गई है। द बॉन्ड इज़ रियली प्राइसलेस एंड आई एम रियली रियली एंजॉइंग ईच डे ऑफ माइंड विद देम। बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आप इसी तरह चीकू की मम्मी का प्यार देते रहिए, आपने मुझे बहुत सारे रोल्स में एक्सेप्ट किया है, हर बार मैंने घर तोड़े हैं। इस बार कुछ अलग कर रही हूँ, तो आई जस्ट होप जैसे आप बाकी के कैरेक्टर्स को इतना प्यार दे सके, इस कैरेक्टर को भी उतना ही प्यार मिलेगा। जैसे आपने कहा अलग अलग शेड्स किया है, ये वाला जो किरदार है, जब आपने इसको नरेशन सुना था तो आपको लगा था? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी, व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट एंड आई वाज रेडी फॉर द ऑडिशन, मुझे लगा इट्स टू डिफिकल्ट। बट समहाउ क्या होता है ना, जब आपको एक सही ब्रीफिंग दी जाती है, एक सही किरदार के बारे में आपको अच्छे से बताया जाता है, डीपली थोड़ा उसको नरेट किया जाता है, तो आपको कुछ चीज़ें ना, आपके कुछ डोर्स ओपन हो जाते हैं उस कैरेक्टर को लेके। तो लकीली मेरे को वैसा बहुत अच्छा डीप नरेशन मिला, और फिर मुझे लगा ठीक है चलो एक ट्राई करते हैं। और मैंने वो ऑडिशन दिया, और वो जिस लाइन जिस स्लैंग में था, मुझे बहुत मज़ा आया करने के लिए, दो इट वॉज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बट बहुत मज़ा आया। एंड फिर तो मतलब they loved it and I'm a part of this show. जैसा आपने कहा थोड़ा सा टपोरी टाइप या कुछ इस तरह की बात है, तो लैंग्वेज की बात करें तो कैसे? अरे यार अभी ऐसे हिम्मत कर रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब, मैं पूरा दिन यही करती रहती हूँ ऐसे टपोरी। मज़ा आता है, रिहर्स बहुत करना पड़ता है और अच्छा लगता है कभी कभी। मतलब हमारे सेट पे बहुत सारे मराठी लोग हैं, हमारे साउंड दादा, तो वो साउंड कुछ अगर स्लैंग गलत होता है, कुछ अगर यू नो कुछ भी अगर चीज़ें अलग होती है, तो मुझे मैसेज कर दे, मतलब सॉरी मैसेज कह रही हूँ, माइक पे बता देते हैं, मोनिका टोन जा रहा है, टोन पकड़ो। और बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग हैं आसपास, तो कोई मैं गलत प्रोनंसिएशन करती हूँ तो वो सही करते हैं, तो मराठी बोलने में मज़ा आता। तो 13 साल में शायद मैंने मराठी सीखी नहीं, पर आई थिंक इस शो से सीख जाऊंगी। कहीं से कोई वीडियो क्लिप देखा किसी आर्टिस्ट या किसी बॉलीवुड एक्टर? नहीं, एक्चुअली मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका उनका लैंग्वेज है, मेरी जो हाउस हेल्प आती हैं उनको ऑब्जर्व किया, उनसे बातचीत की, तो उनसे थोड़ा सा हेल्प मिला। अपने फैंस को भी मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को तो मैं जितना ही बोलूँ उतना कम है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, एंड थैंक यू फॉर लविंग मी अनकंडीशनली। आई एम रियली रियली ब्लेस्ड, और मैं इसी तरह आपको एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।